पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वेलकम टू इंडिया बेस्ट डांसर। तो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में हम बुलाते हैं हमारे पहले डांसर को। तो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में इटली का डांस स्टाइल माइम परफॉर्म करने आ रही है, जिनकी फैंस की गिनती का नहीं कोई एंड है और जो नोरबी की जस्ट फ्रेंड है, कैलिंगफोंग वेस्ट बंगाल से सुष्मिता तमन और इनके कोरियोग्राफर शुभ्रनिल फॉर। आपके पास वक्त बहुत कम है, आप अपना कीमती वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो के पीछे भागू, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। एक्ट इतना प्यारा था, आई थिंक इट विल बी अनफेयर इफ आई डोंट स्टैंड एंड टॉक टू दिस टू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वो एंड ना, वो एंड ने मेरे को थोड़ा सा झंझोड़ दिया है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर माई सेल्फ राइट नाउ। आज इस मंच पे
बेस्ट का इंटरनेशनल टेस्ट हो रहा है, 90s के गाने हो रहे हैं, लेकिन ये गाने को इस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे मैंने सोचा नहीं था. इट्स इनडिस्क्राइबल व्हाट यू हैव डन टुडे. वो टीवी वाला मोमेंट. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हारे सो जगा, वो जुगनू वाला मोमेंट. मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं. पूरा चंक जो स्टेप्स पे उतरते हुए वायलिन के पीस पे किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग कोरियोग्राफी. टेक्निक वेक्निक सब था, लेकिन एक्सप्रेशन और इमोशन क्या था. Subtly done, beautifully done. हम तीनों में से अगर किसी ने बहुत सख्त सख्ती से पेश आया आपके एक्ट्स के लिए या आपके फीडबैक के लिए, तो I would say I'm the one. मैं बहुत हार्श था आपके साथ, because I felt कि डांसिंग में आप बहुत स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इमोशन के जरिए. और आज आपने एक ऐसा एक्ट चूज करा जिसमें इट्स ऑल अबाउट इमोशन. Yes, sir. दुनिया का सबसे नंबर वन एक्टर इन द वर्ल्ड इज यू नो हू, चार्ली चैपलिन. और वो क्या करता था? माइम. Yes, sir. आज आपने उसकी याद दिला दी. थैंक यू सो मच सर. हैट्स ऑफ, रिस्पेक्ट टू यू वंस अगेन. सो मच सर. सुष्मिता, मैं पूछना चाहती हूँ, कितना डिफ़िकल्ट था ये करना? मैम, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि सब कुछ एक कैरेक्टर में आना और एक्सप्रेशंस पे वर्क करना. फर्स्ट डे जब रिहर्सल स्टार्ट हुआ तो मुझे बोला कि चेहरा मतलब इतना बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब लाउड लाउड दिखाना पड़ेगा, हंस भी रहे तो इतना बड़ा हंसना पड़ेगा, रो भी रहे तो इतना ज़्यादा बड़ा. तो जब मैं मिरर पर देख के कर रही थी, मैं खुद को देख के बहुत तो शर्म सा आ रहा था. तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ भी करो, ये चाहिए चाहिए, कैसे भी करो. पहले तो मेरे से नहीं हो पा रहा था तो थोड़ा सा डांट भी पड़ा था. एक्चुअली मैं डांटता नहीं हूँ, बहुत कम डांटता हूँ, बट इस हफ्ते मैंने किया थोड़ा सा वैसा, क्योंकि मेरे को सर की बात याद है कि सर ने बोला था कि यहाँ से काम करना पड़ेगा, तो मैं जानबूझ के माइम चुना. बट सुष्मिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस हफ्ते, क्योंकि उसके लिए क्योंकि नया था ये स्टाइल, तो उसको मैं कभी नहीं देखा चुपचाप बैठी है. वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन में बात कर रही थी, मतलब खाने भी जाती तो ऐसे जाती थी, वो आती भी थी ऐसी आती थी, तो वो कैरेक्टर में घुसा हुआ था पूरा टाइम. पूरा ये वीक जब दिखाओ तो खाना कैसे खाती थी? इसे कहते हैं डेडिकेशन. राइट राइट मैम. मैं लेकिन मैम अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, बट मैं बहुत ज़्यादा ही कितना वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे सुब्रनिस सर मिला है. क्योंकि मैम लास्ट वीक से मुझे ऐसे हो रहा था कि क्योंकि मुझे पता है जैसे सीजन वन में उनका हमेशा लाइक स्कोरिंग भी 30-30-30-30 ऐसे होता था, है ना, और मेरा इस नहीं हो पा रहा था. इनके लिए बहुत बुरा लग रहा, उनका तो 100% दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, बट मेरे से नहीं हो रहा था. लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर अभी जाके आज थोड़ा मैं खुश हूँ और इनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था, 30 मिल गया है आपको, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जोरदार तालियां हो जाए. अरे मैंने सुना शिवांशु तुमसे प्यार करने लगा है. नहीं नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. मुझे लगता है वो तेरे प्यार में पागल हो गया है. माँ, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि घर सूना लगता है, पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ढूंढ ली है. और आज मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा. अरे शिवांशु, क्या सही टाइम पे आए हो. मैंने अभी अभी गरम गरम चाय बनाई है. मुझे तुमसे कुछ कहना था. हाँ हाँ, पहले अंदर तो आओ. एक ही तो दोस्त है मेरी जिससे मैं
इतना प्यार करता हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।